पहली न्यूज आ रही है एमआई की तरफ से, शॉमी शॉमी एमआई की तरफ से, एमआई का टीजर आना शुरू हो चुका है, एमआई 11 लीक शुरू हो चुकी है। ये ऐसा बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 875 के प्रोसेसर के साथ आने वाला है, तो देखते हैं बहुत धमाकेदार प्रोसेसर है। अभी प्रोसेसर अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ये होने वाला है, तो पहला फोन हो सकता है, क्या पता। पहला टीजर आना शुरू हो चुका है, लीक्स आने शुरू हो चुके हैं, तो हमें एक लीक मिली थी, हम आपको बता रहे हैं, तो देखते हैं क्या करता है Xiaomi Mi 11। तो अगली खबर आ रही है Redmi Note 9 सीरीज में। Redmi Note 9 सीरीज में एक नया फोन आने वाला है, पहले ही बहुत सारे फोन पड़े हैं Redmi Note 9 सीरीज में, तो और एक हाई एंड वेरिएंट आने वाला है Redmi Note 9 सीरीज में। तो ये सीरीज में स्नैपड्रैगन 750G और इसका रिफ्रेश होने वाला है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डिस्प्ले में आपको देखने मिलता है। तो देखते हैं फोन के साथ इसमें मी के कितने और फोन आएंगे, देखते रहेंगे Redmi Note 9 में। चलिए चार्जर की प्राइस सुनते ही आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसका प्राइस होने वाला है 13,000 होने वाला है, 13,000 रुपए। देखेंगे इसमें क्या क्या और आएगा। एप्पल की हर चीज कॉस्टली होती है, बहुत धमाकेदार प्राइस रखता है एप्पल, देखते हैं। तो इसकी प्राइस 13,000। बहुत धमाकेदार फोन दिख रहा है हमें, तो देखते हैं कब इंडिया में बहुत जल्द से जल्द लॉन्च होने वाला है। 16GB तक रैम आपको देखने मिलती है, तो बहुत धमाकेदार रैम भी बहुत बड़ी है, तो देखते हैं कैसा फोन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, चलिए हमारी अगली न्यूज आ रही है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस जो हाल ही में 8 आया था, 8 प्रो और 8 टी अभी अभी गिरा, और अभी से शुरू हो चुकी है 9 की, 9 और 9 प्रो की लीक। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 9 और 9 प्रो में 3 वेरिएंट्स होने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर ट्वीट करके बताया एक जन ने, तो हम आपको यहाँ पर ट्वीट बता रहे हैं, 3 वेरिएंट्स होंगे 9 और 9 प्रो में वन प्लस के। तो हाल ही में यही टी लॉन्च हुआ था, आना वाला है 9 और, हो सकता है इसमें भी स्नैपड्रैगन का 780 हो सकता है, और प्लस भी हो सकता है, क्या हो सकता है देखेंगे आने के बाद पता चल जाएगा। तो आज की टेक्निक में बस इतना है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, कुछ भी सवाल जवाब है तो बाय बाय।